पतली कमरिया बोले आए हाय हाय तेरी इसके पास लाइसेंस नहीं है लाइसेंस पाक मारे भाई का टसन देख रहे हो मोटिवेशन यू कैन डू इट। ये सरप्राइज है भाई नई गाड़ी लिए बंदे ने। मकर संक्रांति के दिन भी कोई निकलेंगे नहीं यार अपन भी नहीं निकलते वरना क्या आएगा अपने को पतंग उड़ाने का थोड़ा वो चौक है। Hey guys, welcome back to the new episode and आज है मकर संक्रांति या तो उत्तरायण जो भी कहे दो एंड अभी ना हम यहाँ पे है लाइक दो तीन लोकेशन सिलेक्ट करके रखी थी। एक तो मामा का घर था फिर मोहक का ये जो अपार्टमेंट में जा रहता है लास्ट ईयर हमने यहीं पे पतंग उड़ाई थी और आज भी यहीं उड़ाएंगे या कहीं बाहर जाने का प्लान है सोचेंगे अगर यहाँ आया ठीक है तो यहीं कर लेंगे कहीं और अभी ना चार पाँच लोग यहाँ पे है ये अपने रिच किड्स जय माता जी वाह और कबीर भाई थोड़े भाई बन गए दाढ़ी वाड़ी। मैं इसे ना दो महीने के बाद मिल रहा हूँ हालत देखो हालत खराब है अभी क्या है बताएंगे आराम से बताएंगे। और गोकानी सेठ गुड मॉर्निंग नहीं है गुड आफ्टरनून है देख मॉर्निंग है तो अभी ना गाइस क्या करते हैं कि इन दो तीन लोगों को भेजते ऊपर जो हमने और पतंग और जो वो मांझा है ना वो रखा है ऊपर तो सारी चीज़ें ले आते और नई लोकेशन शिफ्ट करना है। यहाँ पे हमने उड़ा है लेकिन वो माहौल नहीं है यार पता नहीं क्यों लेकिन सारे लोग ना अभी फ्री फायर और पबजी कर रहे होंगे इसके वजह से। मकर संक्रांति के दिन भी कोई निकलेंगे नहीं यार अपन भी नहीं निकलते वरना क्या है अपने को पतंग उड़ाने का थोड़ा बहुत शौक है मुझे नहीं इन सबको और जा तो ऊपर जा और सब कुछ लेके आ जा। ओके गाइस अभी हम पहुंच गए टेरेस पे देखते हैं यहाँ पर देखा ना आपको यहाँ पर मोल भी नहीं है देखो चल पतंग लेना है चलो चलो अब नीचे जाके मिलता हूँ। अभी हम नीचे आ गए अभी हम जाते हैं घर पे मामा के घर पे ठीक है और आप वहीं पर मिलते हैं। ये देखो गाइस इतने सारे पतंग और भी बाकी लेने के बिकॉज इनको ना इतनी चुलना चाहिए ना सबको। ये शुभम भाई लाइक बहुत शर्माते लोग माने के लिए और ना मोहक का ये सरप्राइज है भाई नई गाड़ी लिए बंदे ने आज ही के दिन। और अपने ना इंडियंस की ये परंपरा है कल्चर है कि कुछ फेस्टिवल आता है तभी अपन नई बाइक करते हो खास करके ना उत्तरायण पे ही लेते हैं ना नई बाइक और गाड़ी तो उत्तरायण या तो और कोई तो मुझे नहीं लगता हाँ दिवाली पे नई चीज़ आती है। एक और दोस्त है सेम करके उसने भी 6G ली है एक्टिवा 6G ऐसे ना ये नई बाइक नहीं है ली थी उत्तरायण पे इसी दिन पे लेकिन एक साल हो गया फिर भी देखो बाइक में एक खरोच तक नहीं है। और डैड जी तो अभी ना हम दोपहर का खाना खत्म करके वापस ऊपर जा रहे हैं अपार्टमेंट उड़ाने के लिए। ये हमारे मांझे दोनों के पास और ये कुछ पतंगे थोड़ी बहुत है तो जाते हैं यार और माहौल मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर जाने के बाद ही वैसे भी पता चलेगा कि कैसा माहौल है तो चलते हैं। अपना फिफ्थ फ्लोर आने वाला है चलो जी आ गया। ये देखो पूरा व्यू देखो अभी मैं 1X में शूट कर रहा हूँ यार हम काफ़ी ऊँचाई पर वैसे तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ताकि पतंग भी अच्छे से लाइक उड़ सके। यहाँ से लेके ना ये अपना लाइट हाउस दिख रहा है ठीक है फिर यहाँ पे कुछ लोग पतंग उड़ा रहे हैं वहाँ पे सामने फिर ये पूरा दरिया आपको दिख रहा होगा इसमें कहीं ना कहीं। बाकी मोह काफ़ी परेशान हो रहा है लेकिन इसकी पतंग पता नहीं क्या है ऊंचाई नहीं पकड़ रही वापस आ जा रही है। मोह तेरे लिए एक बात तुमसे ना हो पाएगा हो पाएगा हाँ मोटिवेशन यू कैन डू इट। मुर्गा नहीं वही तो तू ट्राई कर हूँ पकड़ू ले दे। और भाई शाम का क्या प्लान है कुछ नहीं मेरे को भी सोना है बस मेरे को तो बस सोना है ऐसा तो क्या मजदूरी करके निकला है पता नहीं नींद आ रही है पता नहीं क्या हुआ। ये देखो एक पतंग कट के नीचे जा रही है यश को तो आप जानते ही होंगे वो दो तीन दिन अपने साथ था लाइक जामनगर में था लेकिन अभी उसकी हालत खराब हो गई है उसका ना शुगर लेवल कम हो गया है तो उसे वहीं छोड़ के आए सुबह तक तो साथ ही था लेकिन अचानक से ये प्रॉब्लम आई तो ओबे भाई गई एक काम करते दोनों के बीच में ना बैटल करवाते लाइक सबसे ज्यादा पतंग के कौन काटता है अभी तो वही उड़ा रहा है मतलब उसका एक हुआ है फिर उसके बाद तेरा देखते हैं जो भी आता है वो सही है मोक हाँ? जिसका ज्यादा स्कोर होगा वो शाम को पार्टी देगा नहीं लाइक जिसका कम होगा वो गया नहीं नहीं ऐसे नहीं जाएगा गया काट लिया यार एक ही में हार गए मोक तो अरे नहीं था छोटे बच्चे ने दूर काट लिया ऐसा नहीं होता। ये जो उड़ाने का मजा है ना उतना गंदा आ गया कि देखो हाथ ऐसे हो जा रहे हैं लाइक ये तो होता है थोड़ा सा लेकिन ये कुछ ज्यादा हो रहा है नहीं और अभी ना टोटल इतने पतंगे अपने पास कुल मिला के अगर मैं कहूँ ना तो ये कम से कम 15-20 तो होंगे ही थोड़े इधर है और 3-4 इधर है और दो पतंग तो अपने ऑलरेडी उड़ा लिए
हम देखते हैं कब तक चलता है ये पूरा। अभी 5:30 हो गई आज के और शाम तक तो ख़त्म भी हो जाएगा ये। हाँ हाँ हाँ, इसको नहीं ले जाएंगे, नहीं तुझे सच में नहीं ले जाएंगे, कोई बात नहीं नहीं सकता है वहाँ पे, पार्टी तू देगा लेकिन तुझे नहीं ले जाएंगे। वो भी सही है, दे दूंगा पैसे। ओहो देख रहा है, मैं बोल रहा हूँ पार्टी तू ही देगा लेकिन तुझे नहीं ले जाएंगे, कोई बात नहीं दे दूंगा पैसे। अमीर लोग। अब अपने मुर्गन पे उड़ा रहे पतंग। यार मुझे स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा, पता नहीं पतंग दिख रही होगी नहीं कैमरे में। गए ये फ्रस्ट्रेट हो गया। अब एक और प्रयास किया जा रहा है यहाँ पे, देखते अब क्या होगा। यार मैं तुमने ना ये अच्छे से नहीं बांधे, 2-4 पतंग मेरे साथ। मेरे को पार्टी देनी पड़ेगी तो तू ही देगा, वो मेरे को पता है। बंदे को देखो कितना भरोसा है खुद पे, इसे पता है कि पार्टी तो मैं ही दूंगा, इट मीन्स कि मैं ही हारने वाला हूँ। खास इसमें ना 3x जूम नहीं होता, इसमें कम से कम 10x तो होना ही चाहिए था यार आईफोन में, यार जूम ही नहीं होता इसमें। और गाइस ना मैं इस वे कैमरा करके कुछ ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज ना ये सन का जो सनलाइट है ना वो सीधा फेस पे आता है और पूरा ब्राइट हो जाता है, अभी भी आप देख रहे होंगे, तो ये अच्छे से हो नहीं पा रहा है। और ऊपर से हाथ में ये भी पकड़ना पड़ता है, लाइक एक ये करेगा तो ये पकड़ना है, तो ये सब कुछ हो नहीं पा रहा है, उसी का मन उड़ाते अच्छे से। गाइस कुछ रिकॉर्ड हो या ना हो, इन दोनों में से बेटर कौन जीतेगा वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ भाई इतना पता है कि सकल के ना 12 बजने वाले हैं, इतने काले हो जाएंगे घर पे जाएंगे। हाँ बज तो गए ऑलरेडी, पूरे काले हो गए, एक तो गोरे हैं नहीं और ऊपर से काले और अलग हो गए, उसमें पतंग भी नहीं उड़ रहा है। हाँ गोरे लोगों से पतंग नहीं उड़ती, देखो देख लो मुंह को ही देख लो। और अगर उतना टाइम नहीं है, एक ही घंटा है, कोई नहीं हो जाएगा, एक घंटे में तो सनसेट हो जाएगा, अभी तो भी उड़ाएंगे, रात के 10 बजे तक उड़ाने का प्लान है क्या। और रह जी तो यहाँ पे ना बहुत मजा आ रहा है, लाइक 2 पतंग मोग ने काट दी और 1 मुर्गन ने, और इन दोनों की एक एक चली गई, क्या पल्सर नीचे। हाँ और अभी पता है ना एक यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सुबह से आईफोन यूज हो रहा है, लाइक अलग अलग तरह की शूटिंग में एंड काफी सारी चीजों में। पतेली कमरिया बोले कर वापिस कर, पतेली कमरिया बोले आए हाय हाय, तेरी ची नजरिया बोले, तारे ढूंका मार रहा हूं, कायदे रील बना रही है, कमरा नहीं है कमरा है कमरा कमरा है। ठीक है यार जब तक आईफोन साथ देता है तब तक शूट करते हैं, क्योंकि 28% है और आज उत्तरायण के दिन वैसे भी लाइट कनेक्शन तो होता ही नहीं है, लाइक बिजली चली जाती है, कोई बात नहीं करते अपन शूट। हाँ क्या बोल रहा था, क्या छीन लिया इसका मतलब अभी, ये सही है मेहनत मौक कर रहा है और ये कर रहा है फिर एंजॉयमेंट। अबे यार वो मेरे को नहीं पता, मैं पागल हो गया मैं पागल हो गया मुझे मारो मैं पागल हूँ। और क्या हाल है, अभी कभी 5 पतंग कट किए, 5 कर लिए, क्या बात है यार। फिर तो मौक के चांसेस बढ़ गए पार्टी देने का। मैं गाइस स्टोरी शूट कर रहा था और उसमें अपलोडिंग इंस्टाग्राम पे, इतने में तो भाई साहब ने 5 पतंग चट कर दिए और ये छठे की तैयारी है। आय हाय हाय आय हाय हाय क्या स्पीड है गाइस, अभी ना थक गए पतंग उड़ा उड़ा के और अपने कोकानी भाई थोड़े फॉर्म में आ गए, अभी चाय लेके आए। ठीक है अब तबीयत बढ़िया भाई, शुगर मेंटेन हुआ तेरा। ये गाइस देखो ये लेजेंड को यहाँ पे अंधेरा होने को है और ये पहला पूरे संक्रांत का पहला पतंग उड़ा रहा है अभी। यस भाई यस सुन तो तुमसे ना हो पाएगा। तो अभी ना गाइस हम नीचे आके और नाश्ता करने जा रहे हैं, लेकिन ये ना नाटक कर रहा है, आना नहीं है, चलना यार बाद में भाई, संडे को मस्त मैच हो भाई, इसके पास लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस आंख मारे भाई का टसन देख रहे हो, और अपने पास अपन एक्सेस में ही ठीक है, ठीक है ना मोक भाई। हाँ ठीक है चलो पीछे बैठ जाओ चलो। ऑल राइट गाइस तो अभी हमने पतंग उड़ा ली, काफ़ी थक गए और उसे यस को काफ़ी फोर्स किया कि भाई तू चल नाश्ता करने कुछ जाते हैं, लेकिन वो नहीं आया, तो मैं मोहक और मुर्गन तीनों यहाँ पे बैठे हैं लाइक नाश्ता करने के लिए आए, डिनर नहीं हो रहा है बस नाश्ता कर रहे हैं, क्योंकि अभी भूख लगी थी, पहले लापिनोज में गए थे पिज्ज़ा खाने थे लेकिन फिर वो कैंसिल हुआ प्लान, एंड अभी अपन यहाँ पे बैठे डोसा अब में,
तो कुछ मसाला डोसा या तो कुछ लाइक साउथ इंडियन ही है पूरा मेन्यू, तो कुछ ऑर्डर करते हैं एंड फिर खाते हैं। तो ये था पूरा दिन एंड ये ना सडनली मैंने बनाया था, मेरा जामनगर से कोई प्लान नहीं था कि मैं द्वारका जाने के बाद ये लाइक काइट फेस्टिवल का आई मीन उत्तरायण का कुछ व्लॉग करूँगा, लेकिन सारे दोस्त इकट्ठे हो गए थे तो अपन ने सोचा कि चलो यार ये करते हैं एंड मज़ा भी काफ़ी आया। आप लोग बताओ आपने कितनी सारी पतंगें काटी, और इन दोनों की जो शर्त थी ना उसमें से ये हार गया मुर्गन, ठीक है, इसने कुछ 5 पतंग काटी थी और मोग ने ज़्यादा काटी थी, लेकिन इन छोटी हार गया तो आज की पार्टी ये स्पॉन्सर करेगा। वेल ये तो फन पार्ट था, लेकिन आप लोग बताओ आपने कितनी पतंगें काटी और आपको कैसा लाइक कैसा फील हुआ। एंड ब्लॉग देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मुझे पता है आप में से ना लाइक कुछ आई मीन आप में से कुछ 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा, तो कर लो एंड कॉमेंट में बताओ आपको कैसा लगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर। ये देखो चलो कोई ना लास्ट मोमेंट पे आया है, सॉरी गाइस सॉरी गाइस।